हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान एक दर्जन से अधिक अवैध रेत से भरे डंपर और दो जेसीबी मशीनों को जब्त किया है, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में की गई है। पुलिस और माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 डंपर, 5 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई है। इसी प्रकार सलंगपुर से पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्रवाई में 4 डंपर जब्त हुए हैं और इसके साथ ही 13 साल पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद अब एक सप्ताह पहले नर्मदा नदी के घाटों पर नर्मदा न्यास विभाग के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा के अचानक 2 दिन छापामार कार्रवाई करने के बाद प्रशासन हरकत में आया है।